एवं जनाम उपसुरत नरासन समीष्ट विष्ट सैसरम चकुरमा समीशो दोमहे सुंदरम महाब्रह्म पर्वतम जन्मन शीशम। तर्जमा सुनिएगा, बोलिए अच्छा आप तो सुन लिए। बरेली के आला हजरत का नाम लीजिए, अहमद रजा का नाम सुन करके जिसका चमक जाए चेहरा वो पक्का सुन्नी है ना भाई। जिनका चेहरा बिगड़ जाए तो क्या है वो बदअकीदा है, बदअकीदा। जो आला हजरत का गुस्ताख है वो हकीकत में नबी का गुस्ताख है ना भाई साहब। हाँ, जो आला हजरत का आशिक होगा या रसूल अल्लाह सलातों व सलामन अली का या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हज का जलसा है। क्या हज का जलसा है? इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही मदीना जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अरे भाई सुन्नी की तो आदत है कि बगैर देखे सुन्नी नबी पर सलाम पढ़ता है सुभान अल्लाह। नबी को देखता नहीं है लेकिन सुन्नी नबी पर सलाम पढ़ता है। फजर की नमाज के बाद सुन्नी नबी पर सलाम पढ़ता है। जुमा की नमाज के बाद सुन्नी नबी पर सलाम पढ़ता है। मिलाद की महफिल के बाद नबी पर सुन्नी सलाम पढ़ता है सुभान अल्लाह। मदीना दूर में है, इंडिया से सुन्नी सलाम भेज रहा है। मदीना दूर है, पाकिस्तान से सुन्नी सलाम भेज रहा है। आखिरकार क्यों? इसलिए कि सुन्नियों का अकीदा है कि अगर हम कहीं से भी नबी पर सलाम पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा मदीने से हम गुलामों का सलाम सुन भी लेंगे, गुलामों के सलाम का जवाब भी दे देंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार ने इसलिए तो फरमाया है दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम हम यहाँ से पढ़ाए वो वहां से सुनाए मुस्तफा की जमात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना गुलाम सरवर साहब किबला चतुर्वेदी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक हवाला पेश कर रहा हूँ, हज का जलसा है सुभान अल्लाह। आपने पढ़ा भी होगा, आलिम उसका बयान भी आपने सुना होगा कि एक हाजी 400 लोगों की शफाअत करेगा सुभान अल्लाह। कितने लोगों की बोलिए? हाँ, हजरत अल्लामा तनवीरुल कादिर साहब के वालिद गिरामी और इनके चचा, मौलाना शाहिद रजा नूरी साहब के ससुर और मौलाना दिलकर साहब के भी ससुर माशाल्लाह। मौलाना और भी दूसरे लोग भी हज को जा रहे हैं, कुल मिलाकर के 6 लोग इस गांव से 6 लोग जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबके हज करने में अल्लाह ताला बेशुमार कामयाबी अता फरमा दे। सही से जाने और सही से लौटने की अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को कुव्वत अता फरमा दे सुभान अल्लाह। लोगों कितने लोगों की हाजी शफाअत करेगा बोलिए? 400 लोगों की। हुज्जाजे किराम मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ 400 लोगों की इंशाल्लाह आप शफाअत करेंगे। उन 400 लोगों में मुझे एक आखर को भी शामिल कर लीजिएगा बोले इंशाल्लाह। बोलिए वैसे हमारे अब्बा अम्मा भी हज करके आए थे तो मेरी माँ ने कहा था, मेरा बाप ने कहा था बेटा मैं हज करके आ गया हूँ, मेरी माँ ने कहा था मैं भी आ गई हूँ, बेटा गुलाम सरवर तू भी हज को जाएगा सुभान अल्लाह। मैंने दुआ कर लिया है लोगों, यही वजह है कि फिर मुहर्रम के महीने के बाद मैंने भी इरादा कर लिया उमरा में जाने का सुभान अल्लाह। आप लोग दुआ कीजिएगा, मैं शोहरत के लिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि दुआ के लिए कह रहा हूँ। वो बेवकूफ है जो शोहरत के लिए जाता है। आजकल के हाजियों का देख नहीं, नौजवान लोग उमरा करने के लिए जाते हैं, बाप रे एक से एक सेल्फी, हजरे अस्वद के पास सेल्फी, पूरी दुनिया में शेयर करता है, शेयर करता है भाई साहब। हाँ, मकामे इब्राहिमी पे गया, फोटो लिया, पूरी दुनिया में फैलाया। ये शोहरत, अल्लाह ताला को शोहरत पसंद नहीं है ना भाई, ये दिखावा पसंद नहीं है। मैंने तो दुआ के लिए कहा है सुभान अल्लाह। लोगों हाजियों का जलसा है सुभान अल्लाह। लोगों जब इंसान मक्का में जाता है, जब मक्का की दीवारों पे नजर पड़ती है हाजियों की तो दिल की दुनिया बदल जाती है। हाजी फिर ये दिल ने ख्याल करता है कि अल्लाह ने करम कर दिया कि अपना पाकीजा घर दिखा दिया। जब हाजी खाने काबा की दीवारों पे नजर
अमल करता है खुद ब खुद उसको रोना आ जाता है, दिल की दुनिया बदल जाती है। लोगों उस वक्त हाजी क्या कहता है, पहली दुआ करता करता या अल्लाह मैंने खाने काबा की दीवार को देखा है, इस दीवार के देखने की वजह से मेरी दुआ को कबूल करना, मेरी दुआ ये है मैं दुनिया में जब तक रहूं तब जब तक रहूं और जब जब मैं दुआ मांगू हर एक नेक दुआओं को तू कबूल कर ले रहा। हाँ मसला यही है कि पहली निगाह पे जो दुआ होती है ना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है वो दुआ, समझे कि नहीं। जद्दा खत्म होने के बाद जब हाजी बैठता है बस में तो फिर हज शुरू होती है, कहाँ जाके एक रेहल बनी हुई है, सुभान अल्लाह। हाँ सड़क में रोड पे मेन रोड पे रेहल है और रेहल के ऊपर कुरान शरीफ बना हुआ है, सुभान अल्लाह। वहीं से फिर मक्का शरीफ की हज शुरू हो जाती है, सुभान अल्लाह। वहीं से आप बुलंद आवाज से कहते जाइएगा लब्बैक ला शरीका लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक, सुभान अल्लाह। लोगों फिर हरम शरीफ वहां से शुरू हो जाएगा, वहां से फिर क्या होगा, आप एक रिकात नमाज पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको 1,00,000 इबादत का सवाब मिलेगा, मैं सवाब देगा, यानी 1,00,000 रिकात पढ़ने का सवाब अल्लाह तआला आपको इनायत करेगा, सुभान अल्लाह। लोगों पहले मैं एक हवाला पेश कर देता हूँ, उसके बाद मेरी तकरीर इंशाल्लाह जरा देर की होगी। सुनिए कुरान शरीफ 18वां पारा सूरह नूर सफा 500 आयत नंबर 61 रुकू नंबर 14 मतबा इशातुल इस्लाम, रब फरमाता है तुम बुयूतन वो सल्लिमु अला अनफुसिकुम, सुभान अल्लाह। आहा कुरान क्या कहता है, जब कोई बंदा बाहर से घर में आए तो जो घर में मौजूद हो वो बंदा बाहर से आने वाला घर में रहने वाले को सलाम करे, सुभान अल्लाह। जो घर में मौजूद हो उसको सलाम करो, कौन कहता, कुरान कहता है। अच्छा कोई घर में मौजूद हो तो उसको सलाम करो, और अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो क्या करो, इसी आयत के तहत मुल्ला अली खानी मुफ्ती का अपनी किताब शरह शिफा जिल्द सानी सफा 282 के 77-78 पे नकल फरमाते हैं इल्लम यकुन फिल बैती अहदुन फकुलिस सलामु अलैका अय्युह नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु लिअन्ना रूहहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम हाजिरुन फी बुयूतिल इस्लाम, सुभान अल्लाह। कुरान कहता कोई भी बंदा घर में मौजूद हो उसको सलाम करो, और अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो क्या करना, मायूस मत होना, रंजीदा मत होना, बेकरार मत होना। अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो अपने नबी ये पाक को सलाम करना, सुभान अल्लाह। क्यों, नबी तो हर मोमिनों के घरों में जलवा फरमा होते हैं, सुभान अल्लाह। लोगों अगर कोई कहे नबी घरों में जलवा फरमा रहते हैं तो हम लोग देखते क्यों नहीं, बदअकीदा कह सकता है ना भाई, नबी घरों पे मौजूद रहते देखते क्यों नहीं है, तो आप क्या चीज क्या जवाब दीजिएगा, जवाब यही दीजिएगा क्या जरूरी है जो मौजूद हो उसे इंसान देखा करे, कोई जरूरी नहीं है, है ना भाई। इंसान के पास हमेशा किरामन कातिबीन यानी दो फरिश्ते रहते हैं, किसी ने नहीं देखा है, है कि नहीं। खाने काबा को हमने नहीं देखा लेकिन मानते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा को नहीं देखा मगर हम एहतराम करते हैं, हम खाने काबा को मानते हैं जानते हैं। हमने कहा एक खाने काबा ये मकाम तुम्हें कैसे मिल गया, सुभान अल्लाह। गोया के खाने काबा बज़बाने हाल कह रहा है कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। मैंने पूछा एक खाने काबा इससे पहले तुम्हारा ऐसा मकाम नहीं था, सारी दुनिया के लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ झुकते थे, सारी कायनात के लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदा करते थे, अमरीका वाले झुकते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, हिंदुस्तान वाले झुकते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, लिबनान वाले झुकते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, अफ्रीका वाले झुकते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, मॉरिशस वाले झुकते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, एक खाने काबा सारी दुनिया बैतुल मुकद्दस की तरफ झुकती थी। अब तुम्हारी शान कैसे बुलंद हो गई कि सारी दुनिया के लोग तुम्हारी तरफ नजर आ रहे हैं, सारी दुनिया के लोग तुम्हारी तरफ सजदा करते हैं, एक खाने काबा
जवाब दे तो सुन लो, खाने काबा जवाब देता है। सही बात है, जब तलक आकाए करीम ने अपने रुख को हमारी तरफ ना किया था तो सारी दुनिया बैतुल मुकद्दस की तरफ नजर आ रही थी, और जब से मेरे आका ने मुस्तफा ने मेरी तरफ नजर किया है तो सारी दुनिया हमारी तरफ नजर आ रही है। हमने पूछा ए खाने काबा, सारी दुनिया तुम्हारी तरफ, तू किसकी तरफ? तो खाने काबा जवाब देता है सारी दुनिया हमारी तरफ, हम हैं मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं, गौर से सुन तो रसा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम सरवर चतुर्वेदी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हां सुभान अल्लाह, हज करने जाइए तो बदअकीदा के पीछे आपकी नमाज, रावण सुनाएंगे, रावण सुनाएंगे जी, बदअकीदा के पीछे आपकी नमाज बोलिए नहीं है। आप ये मत देखिए कि मस्जिद नबवी का इमाम है, बाप रे बाप, नमाज तो पढ़ना ही पड़ेगा। हां मस्जिद हराम का इमाम है, नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ेंगे तो किसके पीछे पढ़ेंगे? नहीं मुसलमानों, चाहे मस्जिद हराम का इमाम हो या मस्जिद नबवी का इमाम हो, बदअकीदा है बदअकीदा, उनके पीछे हम सुन्नियों की नमाज नहीं है। क्यों? ये अकीदा तो बरेली के ताजु शरिया अख्तर रजा खान ने हमें दे दिया। जब ताजु शरिया मक्का शरीफ पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी जमात अलग की थी, वहां की हुकूमत वालों ने ललकारा था, कहा था अख्तर रजा मक्के में आओगे तो मक्के के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा। ताजु शरिया ने कहा था अख्तर रजा जान दे सकता है लेकिन हराम के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। जी बोलिए, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? बेशक, तीन तीन आदमी में जमात होती है ना भाई, अपना अकीदे का, अपने अकीदे का इमाम बनाइएगा, अपनी नमाज पढ़िएगा। सुभान अल्लाह, हां अपना ही अकीदा ताजी। अच्छा सुभान अल्लाह, अच्छा अपने उनवान की तरफ आ रहा हूँ, सुभान अल्लाह, हज के लिए ताजु शरिया गए, इंशाल्लाह वो बयान करूंगा ताकि आपको कुछ माहौल मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो एक बार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गुडी गुडी प्रणाम, नतमस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानी दी अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा। वाह बोलिए सुभान अल्लाह, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम 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 हे नबी मंगलम, मंगलम हे नबी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम प्राणादाता मही मंगलम, मंगलम वैभवम आमिना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम, श्रवणम मंगलम भावनम मंगलम युग जही मंगलम। बोले बोले सुभान अल्लाह, ये नबी की नात है, नबी की नात सुभान अल्लाह। एक मंत्र सुना देता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, मौकश ने उतारे नाउदी थुन निधम पृथ्वी मध्यम अनुन लब्ल बालतम बलवंत सूरतम पृथ्वी मध्य सर्वे उन मासन ग्राम परसन ने प्रे परस्योतम स्वाहा। जिंदाबाद, बोलिए ना भाई बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जो पहले मंत्र की पेश किया है उसका तर्जमा सुन लीजिए, हिंदू धर्म का महाराज कहता है हमारे नबी लाजवाब है सुभान अल्लाह, आमना का लाल लाजवाब है, आमना के लाल की हथेली लाजवाब है, आमना के लाल की हवेली लाजवाब है, यानी नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है, नबी का घराना लाजवाब है, नबी की सूरत का जवाब नहीं, नबी की सीरत का जवाब नहीं, नबी के भौहों का जवाब नहीं, नबी की सुल्फों का जवाब नहीं, नबी के किरणों का जवाब नहीं, नबी के नैनों का जवाब नहीं, नबी के बाजुओं का जवाब नहीं, नबी के इरादे का जवाब नहीं, नबी के रफ्तार का जवाब नहीं, नबी के सफर का जवाब नहीं, नबी
नबी के हसर का जवाब नहीं, नबी के घराने का जवाब नहीं, नबी के सहाबा का जवाब नहीं, नबी के ताबीन का जवाब नहीं, नबी के दीन का जवाब नहीं, नबी की औलाद का जवाब नहीं, नबी की बेटियों का जवाब नहीं, नबी के दामादों का जवाब नहीं। हिंदू धर्म का महाराज सीना तान के कहता है नबी के धन दान का कोई जवाब नहीं, नबी के खानदान का कोई जवाब। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार इरशाद फरमाते हैं, उसने खाता है जिसके नमक की कसम है वो मली है दिलारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शिशु में चमका, हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से ताजुश शकिया, जिंदाबाद माशाल्लाह। हाँ, आज उर्से ताजुश शरिया का दिन भी है, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। सुलह पुल्ली ताजुश शरिया का नाम सुनकर के जल जल बुन करके कबाब रहा है भाई साहब, क्या गलत कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, कहाँ पे, सऊदी अरब में, जिनका नाम है हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। किस जमाने के वली हैं, किस जमाने के आलिम, आला हजरत के जमाने के आलिम है, सुभान अल्लाह। नाम क्या है बोलिए, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मालिकी रहमतुल्लाह ताला है। मुसलमानों वो करते थे क्या, तो अरब के अंदर मसलकी आला हजरत का प्रचार करते थे, सुभान अल्लाह। आला हजरत के शम्मा को रोशन करते थे, मसलकी अहले सुन्नत को फरोग देते थे, कहाँ के आलिम थे बोलिए। अच्छा, आला हजरत फाजले बरेलवी सरकार ने उनको अपना खलीफा भी बनाया था, सुभान अल्लाह। आहा, गली गली में प्रचार करते थे, सऊदी अरब के हर गली और कोचू में मसलकी आला हजरत का प्रचार करते थे, वहां के बदअकीदा मौलवी परेशान हो रहे थे। हाय नहीं, सब ने उस वक्त के बादशाह शाह फहद से शिकायत किया, मौलवियों ने कहा कि शाह फहद साहब आप क्या देख रहे हैं, एक मौलवी है सैयद मोहम्मद मालिकी के हिंदुस्तान के मौलवी अहमद रजा का प्रचार करता जा रहा है, मसलकी आला अहले सुन्नत वल जमात को उजागर करता नजर आ रहा है, उस मौलवी को चाहे बायकॉट करवाइए, या तो उसको जान से मरवा दीजिए, या तो उसको सूली पे चढ़ा दीजिए। शाह फहद ने कहा नहीं नहीं, उनके मानने वाले बहुत हैं, अगर शाह अगर सैयद मोहम्मद मालिकी को मारोगे तो सऊदी अरब में भोचाल हो जाएगा, मारने की जरूरत नहीं, कहा फिर क्या किया जाएगा। शाह फहद ने कहा उनके घर में बेशुमार किताबें हैं, सारी किताबों को जब्त कर लीजिए, रहेगा चराग ना शम्मा जलेगा, रहेगा चराग ना उजाला होगा, उनकी किताबों को जब्त कर लिया जाए। वहां के बदअकीदा वालिमों ने मशवरा किया, चार तरारी लेकर के हजरत सैयद मालिकी के घर पे रवाना हो गए। कितने, चार तराली, जानते तंगा पहले होता था, एक ट्रैक्टर का तो वजूद नहीं था उस वक्त, तंगा घोड़ा गाड़ी होती थी ना, तो चार तराली लेकर के वहाबी जमात के मौलवी कहाँ पहुंच गए, हजरत सैयद मोहम्मद मालिकी के घर पे, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े आलिम थे सैयद मोहम्मद मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। पहुंचने के बाद उनके घर की सारी किताबों को जब्त किया और तरालियों को भरना शुरू किया, जब तरालियों को भरी गई तो चारों तराली सैयद मोहम्मद मालिकी के घर की किताबों से भर गई। अल्लाह अल्लाह, सारी किताबों को लेकर के ये बदअकीदा मौलवी रवाना हो रहे थे, तो हजरत सैयद मोहम्मद मालिकी ने अपने घर की चौखट पे खड़े होकर के ऐलान किया था, ए अरब के बदअकीदा मौलवी हो, तुम जो मेरी सारी किताबों को चार तराली में भर करके ले जा रहे हो, ले जाओ, सैयद मोहम्मद मालिकी को कोई परवाह नहीं, खुदा की कसम वो चारों तराली किताबें सैयद मोहम्मद मालिकी यानी अहमद रजा के गुलाम के सीने में मौजूद है। समझ गए कितने बड़े आलिम थे, चार तराली किताबें। तो हजरत सैयद मोहम्मद मालिकी हज के अय्याम पे खाने काबा की दीवार पे थे, खाने काबा के चौखट पे थे, देखा बेशुमार हुजूम, यहाँ सऊदी अरब ने क्या देखा कि मुल्क हिंदुस्तान के भी लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश के लोग भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी जा रहे हैं, उस वक्त तो एक ही मुल्क माना जाता था, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। सैयद मोहम्मद मालिकी ने लोगों को जमा करके ऐलान किया, जानते हो ये जितने हुज्जाजे गिराम आ रहे
रहे हैं, जानते हो वो कौन लोग हैं? कहा हुजूर आप ही बताइए कौन लोग हैं। तो सैयद मालिकी ने बताया कि सुन लो, इन लोगों के अंदर एक तजुर्बा है, एक बात है, अगर तुम एक बात को करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन लोगों में पक्का सुन्नी कौन है और बदअकीदा कितने लोग हैं। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा हुजूर आप बताइए कि पक्का सुन्नी कैसे पता चले कि कौन है और फिर बदअकीदा कौन है, हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो सैयद मोहम्मद मालिकी ने जवाब दिया था, लोगों जब तुम्हें मालूम करना हो फजकुरुनु लगता अहमद अल बरेलवी, जब तुम्हें मालूम करना हो कि हिंदुस्तान से या दूसरे ममालिक से जो लोग आ रहे हैं इन लोगों में पक्का सुन्नी कौन है और बदअकीदा कौन है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बरेली के बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खान का तज़किरा छेड़ दो, आला हजरत का नाम सुनकर जिन जिनका चेहरा चमक जाए समझ लेना सुन्नी है, जिन जिनका नाम सुन सुन करके चमक जाए सुन्नी है, जिनका चेहरा बिगड़ जाए समझ लेना वो बदअकीदा है नहीं। ये है मसलक आला हजरत, ये है मसलक आला हजरत। एवं जना उपसुरत नरासन समिष्ट विष्ण सहस्रम चकुरमार समीशो दोमहे सुंदरम महाब्रह्म पर्वतम जन्मन शीशम। तर्जमा सुनिएगा, बोलिए अच्छा आप तो सुन लिए, बरेली के आला हजरत का नाम लीजिए, अहमद रजा का नाम सुन करके जिसका चमक जाए चेहरा वो पक्का सुन्नी है ना भाई, जिनका चेहरा बिगड़ जाए तो क्या है वो बदअकीदा है, बदअकीदा। जो आला हजरत का गुस्ताख है वो हकीकत में नबी का गुस्ताख है ना भाई साहब। हाँ, जो आला हजरत का आशिक होगा वो नबी का आशिक होगा, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और, बहुत से लोग सुन्नी हैं उसके बावजूद पक्का सुन्नी नहीं, सुलह कुल्ली भी पाए जाते हैं सुन्नियों में है ना भाई। बहुत से मौलवी को देखिए तो पक्का सुन्नी नहीं, सुलह कुल्लियत का रंग, सुलह कुल्लियत का ढंग पाया जाता है, खुशबू पाई जाती है, बदबू पाई जाती है कि पक्का सुन्नी कौन है और फिर सुलह कुल्ली कौन है। तो फिर क्या कीजिएगा, कैसे मालूम होगा कि पक्का सुन्नी कौन है और सुलह कुल्ली कौन है? तो लोगो याद करो, बरेली के पीर ताजु शैया अख्तर रजा खान बरेलवी का नाम लो, अल्लामा पीर ताहिर गिलानी बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हो, जिनका मजार पाकिस्तान पे मौजूद है, वो ताजुशरिया के खलीफा थे। ताजुशरिया के खलीफा पीर ताहिर अलाउद्दीन गिलानी का बयान है कि लोगों जिन जिन के दरमियान ये फर्क करना हो कि कौन पक्का सुन्नी है और कौन सुलह कुल्ली है, तो फिर क्या करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बरेली के पीर ताजु शरिया अख्तर रजा का नाम ले लेना, अख्तर रजा का नाम सुन करके जिसका चेहरा चमक जाए वो पक्का सुन्नी है, जिसका चेहरा बिगड़ जाए वो बदअकीदा है, सुलह कुल्ली है। समझ रहे कि नहीं, समझ गए बात? अच्छा अब मैंने मंत्र पेश किया बड़ी तेजी के साथ, उसका तर्जमा सुनाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने जो मंत्र पेश किया है वो कृष्ण उतार नवदी पुण्यनितम पृथ्वी मध्यम अनुल लब्लबालतम बलवंत सूरतम पृथ्वी मध्य सर्वगुणमासन निग्राम प्रसन्न प्रे परशोतम स्वाहा। बोलिए बोलिए बोलिए, हिंदू धर्म का महाराज ऐलान कर रहा है कि ये लोगो ये मक्का में अवतार आएगा, सुभान अल्लाह। अवतार किसको कहते हैं? रसूल को। हिंदू धर्म का महाराज कहता है एक मक्का में अवतार आएगा, यानी एक रसूल आएगा, और जब रसूल मक्के में आएगा तो रसूल के आने की वजह से मक्के में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, मक्के में हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा, मक्के की वादी महक उठेगी, मक्के की फिजा महक उठेगी, मक्के की दीवारें चमक जाएगी। और लोगों हिंदू धर्म का महाराज ये ऐलान कर रहा है, लेकिन हम सुन्नियों का ऐलान तो उससे भी आगे है, हम सुन्नियों का अकीदा उससे बढ़कर ये है कि जब हमारे नबी मक्के में आए
तो खुदा की कसम नबी मक्के की मक्के में जो आए सिर्फ नबी की वजह से मक्का ही में उजाला नहीं हुआ, मक्का ही में रोशनी नहीं हुई, बल्कि नबी की वजह से पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया, पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी हो गई, हर तरफ जो है इन पूरी दुनिया चमक उठी। बरेली के ताजदार इमाम ने इसको मोहब्बत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई पड़ता है बारा नूर का सदका ले ले नूर का आया है तारा नूर का मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दुना तेरा दे डाले सरकार नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा सुन लीजिए अब अजान का टाइम होने वाला है ना भाई, अजान का टाइम होने वाला, सलात और सलाम भी होना, दुआ भी होनी है। टाइम मुख्तसर था, मेरा टाइम तो पहले रहता है लेकिन अल्लामा शहरिया साहब जहाँ भी पहुँचते तो मेरा नाम बाद में हो जाता है, उनका पहले हो जाता है, ये उनकी मेहरबानी है, ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। हाजियों का आना जाना अल्लाह ताला बेशुमार कबूल फरमाए। हाजियों को सही से आने जाने की कुव्वत अता फरमाए। हाजियों की उम्र में दराजगी अता फरमाए। हाजियों को बेहतर से बेहतर सिलाह अता फरमाए। हाजियों के खानदान वालों को अल्लाह ताला दिन दुगुनी चौगुनी तरक्की नसीब फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलाम के लिए खड़ा हो जाए। मुस्तफा।